हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम के बाद हम लाए हैं रेडर के ऊपर वीडियो। आज हम जा रहे हैं अपनी रेडर में बिल्कुल ही न्यू हॉर्न को इंस्टॉल करवाने के लिए अपाची वाला, क्योंकि अभी जो इसका हॉर्न है वो फ्रेंड्स मतलब उतना साउंड जो है इसका अच्छा नहीं है, काफ़ी ट्रैफिक वगैरह में प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम जा रहे हैं इसका हॉर्न इंस्टॉल करवाने के लिए, आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कॉस्टिंग भी बताएंगे कि कितना कॉस्टिंग आया है हमें इंस्टॉल करवाने में। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। रहा बात फ्रेंड्स बाइक का, तो आप देख सकते हैं बाइक हमने अभी वॉश कर लिया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बाइक जो है वो चमक रही है और बाइक अभी तक मतलब काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी डिलीवर कर रही है। रहा बात बाइक की अवेलेबिलिटी की, तो बाइक जो है अभी काफ़ी जगह पर अवेलेबल नहीं है, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो अभी बाइक का डिमांड भी है और कंपनी जो है फ्रेंड्स अभी मतलब उतना क्वान्टिटी में बाइक को शोरूम्स पर भी अवेलेबल नहीं करवा रही है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके एरिया में बाइक अवेलेबल है या नहीं, और येलो कलर तो स्पेशली नहीं आ रहा है। तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपके एरिया में क्या प्राइसिंग है और कितना वेटिंग है बाइक के लिए। बाकी चलिए अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे हम डायरेक्टली सर्विस सेंटर पे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और इसका हॉर्न जो है वो काफ़ी कम भी फील होता है। अभी मैं आपको सुनाता हूँ एक बार, तो यहाँ पे थोड़ा लाउड लग रहा है बट जब ट्रैफिक्स में आप यूज़ करते हैं तो हॉर्न जो है वो काफ़ी कम यहाँ पे फील होता है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाची का हॉर्न, उसे हम इंस्टॉल करवा रहे हैं। और इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 257 रुपीज़ हमें इसका देना पड़ा है, बाकी इंस्टॉलेशन का आपको हम बता देंगे। अभी ये जो वीडियो है ये हम शूट कर रहे हैं CLTVS गिरिडीह में, तो यहीं पर हम अभी इंस्टॉल करवा रहे हैं, जो कि यहाँ का सर्विस सेंटर है हमारे एरिया का। देख लेते हैं क्या प्रोसेस रहता है इंस्टॉलेशन का, लेग गार्ड में हम लगवाने वाले हैं और कितना कॉस्टिंग वगैरह टोटल आता है वो सब आपको हम बता देंगे। आप देख सकते हैं अभी मतलब यहाँ पे वॉशर वगैरह देकर इसे टाइट किया जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको सिंगल हॉर्न मिलता है इसमें, बट यहाँ पर अभी हम डुअल हॉर्न इसमें लगवा रहे हैं, देखते हैं किस तरह से टाइट होता है। डबल वॉशर अभी यहाँ पर लगा है और ये हैं हमारे समीर भैया जो कि काम करते हैं हमारे यहाँ CLTVS में ही है, आपको मिल जाएंगे अगर आप इधर से बिलोंग करते हैं तो। अपाची वाला हॉर्न है ना समीर भैया, आवाज़ कैसा आएगा? अपाची जैसा। चलिए देख लेते हैं मिनी अपाची हम इसे बनाकर ही छोड़ेंगे। टायर अगर हमने लगवा ही लिया है और वाइडर टायर हमने इंस्टॉल करा ही लिया है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। ये आप देख सकते हैं टायर अगर हमने लगवाया है और हमने यहाँ पे 110 सेक्शन का टायर भी इंस्टॉल करवाया है सेम अपाची वाला। अब हम हॉर्न भी अपाची वाला लगवा ले रहे हैं, तो अब इसे हम पूरा अपाची बनाने वाले हैं। साउंड भी आपको हम सुना देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो क्लिप है ये आपको बाहर से परचेस करना होगा, क्योंकि ये आपको हॉर्न के साथ में नहीं मिलेगा। तो आप इसे परचेस कर लें अगर आप भी डुअल हॉर्न करवाना चाहते हैं तो, क्योंकि यही क्लिप जो है वो आपका हॉर्न में लगेगा। और अभी आपको हम दिखाने वाले भी हैं किस तरह से लगेगा। वायर यहाँ पे हमने जो है वो जुगाड़ कर लिया है, इंडिकेटर वाला वायर यहाँ पे लग रहा है जो कि इंडिकेटर में यहाँ पे मिलता है। तो अभी देख लेते हैं कैसा साउंड आता है इसका लगने के बाद। उम्मीद तो है कि अपाची जैसा आ जाएगा, बाकी अब पता चलेगा लगने के बाद। देखते हैं साउंड कैसा आता है।
तो फाइनली फ्रेंड्स अपाची वाला जो साउंड है वो आ गया है यहाँ पे डुअल हॉर्न होने के बाद। बजाइए एक बार। कैसा लगा? सही है ना, शूट कर रहा ना? तो फाइनली जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ। अगर आप भी यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो करा सकते हैं आप, जैसे अपाची वाला साउंड आपको भी मिल जाएगा। तो होप करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू।